हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 5 मार्च के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, राइट टू एजुकेशन सर्व्ड एज अ कन्वर्जन ऑफ गवर्नमेंट्स नॉन बाइंडिंग लायबिलिटी इनटू अ लीगल ऑब्लिगेशन। सेकेंड, राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज अ फंडामेंटल राइट बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, राइट टू ये पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि राइट टू एजुकेशन पहले गवर्नमेंट की एक नॉन बाइंडिंग लायबिलिटी थी जो बाद में लीगल ऑब्लिगेशन में कन्वर्ट हो गया, तो ये सही है। सबसे पहले राइट टू एजुकेशन जो है अंडर आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वॉज अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नाउ यू ऑल नो दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर। जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये राइट टू एजुकेशन जो है वो DPSP में से फंडामेंटल राइट में अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया, तब जाके ये गवर्नमेंट के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन बना टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू दोज चिल्ड्रन हु बिलोंग टू एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। सो अब ये राइट टू एजुकेशन जो है वैसे ही इश्यू में रहता ही है, इससे रिलेटेड जो आउटकम्स है वो उतने अच्छे नहीं होते। प्लस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली के अंदर ऐसा भी हो रहा है कि EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको अगर राइट टू एजुकेशन कोटा के अंदर सीट मिली है, सो आफ्टर क्लास 8 दे आर रिडन एंड थ्रोइंग आउट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, तो ये इश्यू अभी चल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। फर्स्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। सेकेंड, इट इज लोकेटेड विद इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। एंड थर्ड, इट इज ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, 1 एंड 3। सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब देखिए, ये इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा, बट इट इज नॉट लोकेटेड विद इन मध्य प्रदेश, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है, इसी के अंदर सिमलीपाल नेशनल पार्क भी है और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भी है। सो आंसर इज सी, 1 एंड 3। सो अभी ये सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर फॉरेस्ट फायर की घटना जो है वो हुई, इस वजह से ये बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज में है। तो हम दूसरा एक क्वेश्चन देखेंगे फॉरेस्ट फायर के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इफ इट इज अंडर कंट्रोल। फर्स्ट इज रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेकेंड इज रीजनरेशन ऑफ ट्री स्पीसीज। थर्ड इज रिमूवल ऑफ इन्वेजिव वीड्स एंड स्पीसीज। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों करेक्ट है। फॉरेस्ट फायर अगर कंट्रोल में है तो ये उस फॉरेस्ट के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू जो सॉइल है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकल होता है। प्लस काफ़ी सारी ट्री स्पीसीज ऐसी है कि जहाँ पे इन्वेजिव वीड्स या फिर स्पीसीज ने अटैक किया होगा तो ऐसी स्पीसीज जो है वो रीजनरेट होगी, और जो इन्वेजिव स्पीसीज जो उस सॉइल के लिए अच्छी नहीं है वो भी रिमूव हो जाएगी। आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तो ये फॉरेस्ट फायर जो है वैसे ही इंडिया के अंदर बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है, क्योंकि हम एफर्ट्स लगा रहे हैं फॉरेस्ट को इंक्रीज करने के लिए, फॉरेस्ट कवर को, और रिसेंटली इंटरनेशनल लेवल पे भी ये फॉरेस्ट फायर जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आउटकम्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ फिस्कल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड इज ब्रिजिंग रेवेन्यू शॉर्टफॉल। एंड थर्ड इज एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ PSUs। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों करेक्ट है। अब देखिए, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे इन्वेस्टमेंट के अंदर हम ये करते हैं कि किसी कंपनी के अंदर हमारा पैसा जो है वो जा रहा है और वहाँ पे हमारा स्टेक जो है वो इंक्रीज हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर इसका उल्टा होगा, किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर
गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, अगर गवर्नमेंट उस हिस्से को बेच देती है, मतलब गवर्नमेंट का स्टेक कम होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कहेंगे। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर फिस्कल बर्डन जो है वो उसका रिड्यूस होगा। मान लो कि गवर्नमेंट को किसी और जगह पे खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे, तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से हमें पैसे मिल सकते हैं, फिस्कल बर्डन रिड्यूस होगा। प्लस कहीं पे अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, मतलब कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, रेवेन्यू डेफिसिट है, तो उस रेवेन्यू डेफिसिट को ब्रिज करने के लिए भी यहाँ से पैसे जो है वो लगा सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कैन हेल्प। और दूसरा, कई बार ये भी होता है कि ये PSU जो है उसका कंट्रोल अगर गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट मैकेनिज्म में ज़्यादातर ये होता है कि मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट नहीं होता। अगर गवर्नमेंट इस डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू किसी प्राइवेट कंपनी को ही अपना हिस्सा बेच देती है, तो वहाँ से इस पर्टिकुलर यूनिट को आप एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। सो आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तो ये रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी जारी की गई बजट के अंदर, तो ये कल के न्यूज़पेपर, ये 4th के न्यूज़पेपर में है, सोनिया गांधी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है कि क्यों गवर्नमेंट को ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अब ऑपोजिशन के लीडर है तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले हैं, तो इसके इस आर्टिकल में से आपको इसके अगेंस्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स अच्छे मिल सकते हैं। 5th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिकमेंडेशंस ऑफ जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी ऑन सेक्शुअल हरेसमेंट। फर्स्ट, सेटिंग अप ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल। सेकेंड, डोमेस्टिक वर्कर्स शुड बी इंक्लूडेड विद इन द परव्यू ऑफ द एक्ट। यहाँ पे एक्ट की बात हो रही है, वो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। थर्ड इज, एम्प्लॉयर शुड बी हेल्ड लायबल इफ ही और शी फेल्स टू डिस्क्लोज द कंपनीज पॉलिसी ऑन सेक्शुअल हरेसमेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों सही है। अब देखिए, जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी जो है उनको इसलिए बनाई गई थी कि ये एक्ट जो है उसके ऊपर आपकी रिकमेंडेशन क्या है, क्या ये एक्ट ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये एक्ट जो है उसके आउटकम्स या फिर उसके प्रोविजंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि अभी मैकेनिज्म ये है कि हर एक कंपनी के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जो है वो बनाई जाएगी। वो कमिटी के अंदर अगर किसी एम्प्लॉई के साथ ऐसा सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है तो वो कमिटी में जाएंगे और वहाँ पे कंप्लेंट जो है वो फाइल करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये कमिटी के अंदर जो मेंबर है वो उसी कंपनी के हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉई जो है वो झिझकते हैं कि हमें ये कंप्लेंट कैसे फाइल करें। तो उन्होंने ये कहा कि इससे अच्छा इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई जाए, एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल, और वो जो है इसी टाइप के केसेस को डील करेंगे, तो उसका स्पीडी डिस्पोजल भी हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। डोमेस्टिक वर्कर मतलब कि जो घर में काम करने आते हैं, तो उन लोगों को इस पर्टिकुलर एक्ट में इंक्लूड नहीं किया गया। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके साथ भी सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, तो उनको ऐड करना चाहिए। तीसरा जो है वो भी करेक्ट है, अगर किसी कंपनी के अंदर वो एम्प्लॉयर जो है उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि हमारे वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरेसमेंट को कैसे डील किया जा सकता है, अगर वो मैकेनिज्म डिस्क्लोज नहीं करता है तो he or she should be held liable. So third is correct, answer is D, 1, 2 and 3. तो अभी recently Supreme Court के अंदर एक जज ने ये फैसला सुनाया कि किसी लड़की के साथ रेप हुआ था, तो उसका जो accused था कि जिसने रेप किया है, तो उनको ये बताया गया कि आप उस लड़की के साथ शादी कर ले। तो ये controversial judgment की वजह से ये newspaper में article था 4th March के, तो उसके अंदर ये बताया गया है कि क्या इस टाइप के जजमेंट जो है वो देने चाहिए या नहीं। और एंड में यहाँ पे ये जो जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी है उसके बारे में, उसकी रिकमेंडेशन फॉलो करनी चाहिए, वो बताया गया है। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। फर्स्ट, इट इम्पोजेस लीगल ऑब्लिगेशंस ऑन द होस्ट स्टेट्स टू अकॉर्ड फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, इट अलाउज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टू ब्रिंग केसेस अगेंस्ट होस्ट स्टेट्स इफ द लेटर सोवरेन रेगुलेटरी मेजर्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद द BIT बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2। ये दोनों सही है। देखिए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि जैसे मान लो कि कोई US की कंपनी है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करती है, सो इंडिया विल बी कंसिडर्ड एज द होस्ट स्टेट एंड US विल बी कंसिडर्ड एज द इन्वेस्टर। तो जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की कंपनी है,
तो इंडिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट उनको जो ट्रीटमेंट देती है, सेम ट्रीटमेंट ये कंपनी को भी देनी पड़ेगी अगर ये दोनों कंट्रीज के बीच में ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई है. सो इट इज़ नोन एज फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट. सो फर्स्ट इज़ करेक्ट. सेकेंड जो है वो वो भी करेक्ट है. इसके अंदर क्या बताया गया है कि जैसे मान लो कि इंडिया के अंदर इसके लिए कोई मैकेनिज्म है कि अगर हम यूएस को इस टाइप की ट्रीटमेंट नहीं देते तो हमारे यहाँ पे आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं. लेकिन अगर ये दोनों जगह से भी ये यूएस मतलब कि जो इन्वेस्टर है उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलते तो ये इस केस को इस होस्ट कंट्री के खिलाफ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में फेस करवा सकते हैं. आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2. तो अभी रिसेंटली यही चीज़ हुई कि वोडाफोन एंड कैन एनर्जी लिमिटेड ये दोनों केस के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा. तो ये पूरा उसका कोर्स दिया गया है कि क्या ये दोनों केस के अंदर बैकग्राउंड क्या था. तो यही चीज़ हुई कि इंडिया की कोर्ट के अंदर कंपनीज जो है उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिले तो इसलिए वो कहाँ पे गए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में गए और वहाँ से इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा. तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल दिया गया है कि क्या इस केस की स्थिति क्या है, प्लस इससे FDI जो है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ती है. तो हम एक और क्वेश्चन देखेंगे FDI के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर्ड एज एन FDI इनफ्लो इन इंडिया. फर्स्ट इज परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइज इन इंडिया. सेकेंड इज री इन्वेस्टेड अर्निंग्स ऑफ इन्वेस्टर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. एंड थर्ड इज फॉरेन इन्वेस्टर्स लोन टू एन इंडियन एंटिटी. एंड द करेक्ट आंसर इज D 1, 2 and 3. ये तीनों सही है. FDI के टोटल तीन कंपोनेंट है. फर्स्ट इज नोन एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट. अब जैसे कोई कंपनी के अंदर उसकी एंटरप्राइज में आप उसके शेयर्स परचेज करते हैं, यू आर रेजिंग योर स्टेक, इट इज नोन एज FDI. सेकेंड इज री इन्वेस्टेड अर्निंग. अगर मान लो कि उस कंपनी में से आपको कोई प्रॉफिट होता है और वो प्रॉफिट आप जो शेयर होल्डर्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते लेकिन आप फिर से उस प्रॉफिट को इंडियन एंटिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, सो इट इज़ नोन एज री इन्वेस्टेड अर्निंग एंड इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ FDI. तीसरी चीज़ यह है कि इंट्रा कंपनी लोन. अगर मान लो कि कोई फॉरेन कंपनी है इंडियन कंपनी को लोन देती है देन इट इज़ इनडायरेक्टली कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनी. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज FDI थ्रू इंट्रा कंपनी लोन्स. आंसर इज D 1, 2 and 3. Eighth question, which of the following pairs are correct about Mars missions of different countries? First is Mars Orbiter mission, second is InSight, third is Mars Express mission. Countries di gayi hai respectively India, US and Russia. And the correct answer is A, 1 and 2. Third is incorrect. Mars Orbiter mission, which is popularly known as Mangalyaan in India. तो ये मंगलयान जो है उसी का नाम है, मार्स ऑर्बिटर मिशन. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट है. सेकंड इज आल्सो करेक्ट. इनसाइट इज अ मिशन ऑफ नासा फ्रॉम USA. वो भी उनका मार्स मिशन है. और मार्स एक्सप्रेस मिशन जो है इट इज अ मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी. ये रशिया का मिशन नहीं है. आंसर इज ए, 1 एंड 2. तो अभी रिसेंटली ये जो नासा के द्वारा परसिवियरेंस रोवर और उससे पहले क्यूरियोसिटी रोवर जो मार्स के ऊपर भेजे गए उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल जो है वो दिया गया है कि क्यों मार्स को हम एज अ बैकअप प्लैनेट कंसिडर करते हैं और क्या अभी तक की सिचुएशन है. नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटेड फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स अंडर द ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म एज स्टिपुलेटेड बाय द गवर्नमेंट अंडर लेटेस्ट गाइडलाइंस. मतलब कि सवाल में ये पूछा गया है कि रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी की गई उसमें उन्होंने ये कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स को एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो एस्टैब्लिश करना होगा. तो उस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में इनमें से कौन सी चीज़ नहीं है. फर्स्ट इज ग्रीवेंस सेल. ऑप्शन बी इज सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स. थर्ड इज इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल फॉर अनरिजॉल्व कंप्लेंट्स. एंड फोर्थ इज सेपरेट इंटरनल ट्रिब्यूनल फॉर डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स. एंड द करेक्ट आंसर इज डी. अब देखिए इसका आंसर जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा,
न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिलेगा। ये कल के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे था। तो सेंटर ने ये कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स विल नॉट हैव टू रजिस्टर। और यहाँ पे गाइडलाइंस जो है उसके अंदर जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके 3 टीयर्स बताए गए। तो सबसे पहले OTT प्लेटफॉर्म को क्या करना होगा, एक ग्रीवेंस सेल बनाना है, दैट इज़ नोन एज Tier 1 सिक्योरिटी। अगर मान लो कि वहाँ पे कोई कंप्लेन करता है, सॉल्व नहीं होती कंप्लेन, देन यहाँ पे एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी OTT प्लेटफॉर्म के द्वारा बनाई जाएगी, दैट विल ट्राई टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगर वहाँ पे भी वो कंप्लेन सॉल्व नहीं होती तो गवर्नमेंट के द्वारा एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल बनाई जाएगी। तो ऐसी जो अनरिजॉल्व कंप्लेंट है, पहले 2 लेवल में सॉल्व नहीं हुई, तो वो इस पैनल के द्वारा सॉल्व की जाएगी। तो ये 3 टीयर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर क्या होगा, 4th। ऐसी कोई टाइप की ट्रिब्यूनल नहीं बनाई है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लेटेस्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स। फर्स्ट इज, नन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशन अपीयर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन नेचुरल साइंसेज कैटेगरी। सेकेंड इज, 3 इंडियन इंस्टीट्यूशंस अपीयर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकेंड इज करेक्ट। इंडिया में से IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास, ये 3 इंस्टीट्यूट ऐसी है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी के अंदर जो टॉप 100 की लिस्ट में है। और नेचुरल साइंस कैटेगरी में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर जो है वो अभी टॉप 100 की लिस्ट में ओनली इंडियन इंस्टीट्यूशन है। तो इसके रिजल्ट जो है वो आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिलेंगे। ये कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये 49th रैंक पे IIT बॉम्बे, 54th पे IIT दिल्ली, 94th पे IIT मद्रास। एंड नेचुरल साइंस की कैटेगरी में 92nd रैंक पे है IISc बेंगलोर। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।